कोरोना वायरस का प्रकोप धीरे धीरे पूरे उत्तर प्रदेश को अपनी चपेट में ले रहा है। हर रोज औसतन 5000 से ज्यादा मामले नए कोरोना संक्रमण के सामने आ रहे हैं, लेकिन सबसे हैरत की बात यह है कि ये कोरोना संक्रमण लगातार सियासी जमात को भी अपनी चपेट में ले रहा है। यानी नेता हो या राजनेता, कोई भी हो, इससे बच नहीं पा रहा है। स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार के ही कम से कम दर्जन भर से ज्यादा मंत्री कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। आज फिर एक और कैबिनेट मंत्री जय प्रताप सिंह जैकी भी कोरोना से संक्रमित हो गए। उन्होंने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी। अफसोसजनक बात यह है कि बीते कुछ दिनों में दो बड़े कैबिनेट मंत्रियों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गई, और दो दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के MLC और मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी और उनके सलाहकार कहे जाने वाले SRS यादव की भी कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। यानी कोरोना संक्रमण लगातार सियासी जमात को अपनी चपेट में ले रहा है। स्थिति यह है कि लोग ये कहने लगे हैं कि अब उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लगाने की जरूरत है। हालांकि सरकार ने धीरे धीरे करके सभी चीज़ों को खोल दिया है। अनलॉक वन से शुरू हुई खोलने की ये प्रक्रिया धीरे धीरे इस तरीके से सब कुछ खुल गया कि अब कुछ भी बाकी नहीं बचा है। मॉल भी खुल चुके हैं, मेट्रो शुरू हो चुकी है, बाजार पूरी तरीके से खुले हुए हैं, जगह जगह भीड़ नजर आ रही है, लोग एक दूसरे से लगातार संपर्क में हैं। और ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग को ना के बराबर आप समझ सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना के बराबर हो रहा है। ऐसे में जरूरत इस बात की बताई जा रही है कि सरकार जल्द ही कोई सख्त फैसला ले या लॉकडाउन को फिर से लागू करे, जिससे कोरोना संक्रमण की चेन को रोका जा सके। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ न्यूज़ 24।